रोटरी चाणक्य पटना द्वारा दानापुर स्थित पद्मश्री सुधा बर्गीज की वंचित समाज के बच्चियों के स्कूल में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए एवं जागरूकता फैलाने के लिए पुनरुत्थान के लिए उपयुक्ता वाहन का उद्घाटन किया गया। साथ ही नारी गुंजन संस्था के लिए कुछ जरूरत के सामान भी दिए गए। रोटरी चाणक्य अध्यक्ष रोटरियन आशीष बंका, सचिव रोटरियन संदीप चौधरी, रोटरी के बड़े भैया अश्वनी गुप्ता एवं समाज सेविका रोटरियन डॉक्टर नर्मदा आनंद की उपस्थिति में दलित बच्चियों में जीवन ज्ञान की रोशनी जलाने वाली दीदी को उनके स्कूल नारी गुंजन के लिए जरूरत के सामानों को दिया गया। गौरतलब है कि वंचित समाज को इंसाफ दिलाने उनके ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली सुधा वर्गीज साइकिल वाली दीदी के नाम से विश्वविख्यात हैं। पेशे से वकील होने के कारण एक खास वंचित समाज पर हुए अत्याचार के खिलाफ वो लड़ती रही हैं। दृढ़ निश्चयी महिला जिसने अपना घर छोड़कर इस समाज की लड़कियों को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया, जिससे दलित बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बेसहारा बच्चियों का सहारा बनकर भैंस चलाने वाले, गोबर लिपने वाले, हाथों में कलम देकर उन्हें सम्मान में जिंदगी जीना सिखाया। अनपढ़ दलित बच्चियों को नई दिशा देने के लिए साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव घूमकर बेसहारा बच्चियों की दीदी ने कई मंजिलों को हासिल किया और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुई। जरूरतमंदों तक जरूरत के सामान पहुंचाने की कोशिश में हमेशा लगी दीदी का जीवन ही गरीबों की सेवा है। वाहन वितरण के इस मौके पर रोटरी चाणक्य के अध्यक्ष आशीष बंका ने कहा कि जब भी सुधा दीदी आपको मदद की जरूरत हो, रोटरी आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा है। रोटरी चाणक्य के सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि सुधा दीदी के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सुधा दीदी ने जो कर दिखाया है उसे पाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे एक दृढ़ निश्चय ही झेल सकता है। पूरा रोटरी चाणक्य सुधा दीदी के साथ है। रोटरियन अश्विनी गुप्ता लगातार कई वर्षों से नारी गुंजन स्कूल के लिए जरूरत के सामान डोनेट करते आ रहे हैं। शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद ने कहा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नम्रता ने कहा कि सुधा दीदी ने वैसे समाज के लिए काम किया जो समाज में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। वंचित समाज की बच्चियों को साक्षरता का दान देकर उनके जीवन में रोशनी लाने का जो बीड़ा उठाया वह सचमुच में सराहनीय है, अतुलनीय है, अनुकरणीय है। उन्होंने बेसहारा बच्चियों को सम्मान से जीना सिखाया। इसके लिए भविष्य में जो भी सहयोग की जरूरत होगी, रोटरी चाणक दीदी जी फाउंडेशन एवं ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस सब सुधा वर्गीज दीदी के साथ है। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।